ताजिकिस्तान में बिजली के कासा मंसूबे इफ्तिताह के मौके पर मुकामी हुकाम संगीन गलती कर गए। दो शंबे में तकरीब के मुंतजमीन ने नक्शे में जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर नहीं किया। नक्शे में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत में शामिल कर दिया गया। पाकिस्तानी वफ्द के अराकीन इस गलती से बेखबर खुशी खुशी मंसूबे का इफ्तिताह करते रहे। जब मामला मीडिया पर आया तो वज़ीर आज़म के मावन खसूसी तारिक फातमी ने दावा किया कि पाकिस्तान के नक्शे में गलती की निशानदेही उसी वक्त कर दी गई थी। जहां ये सेरेमनी हो रही तो एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी जिस पर रूट जो है इस पाइपलाइन का वो दिखाया जा रहा था। जैसे ही हम वहां पर हमारी नजर पड़ी, फौरन इसे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर रेस किया गया। ये नक्शा नहीं है, आप इसे गौर से देखिए, ये एक रफ पेंटिंग है, इसका कोई बाउंड्री से ताल्लुक नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने अपने नक्शे में गलती किए जाने पर नए कानून का मुसविदा तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले के लिए 7 साल कैद और 1 अरब रुपए जुर्माने की सजा रखी गई है। पाकिस्तान का गलत नक्शा जारी किए जाने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत की तरह पाकिस्तान में भी मुस्तकबिल में इस बारे में कोई कानून साजी मुतवक्के है।